हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम रसशास्त्र को लेकर के एक सीरीज शुरू कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत हम रस रत्न समुच्चय में वर्णित रसौषधियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो आज हम एक नई रसौषधि के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है नीलकंठ रस। इसके बारे में हम जानेंगे कि क्या इसका रोगाधिकार है, किस तरह इसके घटक द्रव्य हैं, किस तरह से बनाया जाता है, क्या इसकी मात्रा है, क्या इसके भावना द्रव्य हो और किस रोगों में इसको प्रयुक्त किया जाता है। तो इन सारी बातों की चर्चा आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे। तो यदि आप नीलकंठ रस के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसे ही नई रसौषधियों के बारे में पता चले। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, नीलकंठ रस का जो वर्णन है रस रत्न समुच्चय में, इसका जो वर्णन आया है वो स्वास्थ्य की चिकित्सा में आया है, अर्थात जो इसका रोगाधिकार है वो स्वास्थ्य चिकित्सा के अंतर्गत इसका वर्णन देखने को मिलता है। आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से घटक द्रव्य होते हैं। तो आपके सामने श्लोक है, मैं श्लोक को पढ़ के सुनाता हूँ, तो उसको हम पूरा जानेंगे। सूतम शुल्भम सुलोहम बलिम अमृतयुतम त्रित्रिकम रेणुकाब्धम गंडीरम केसराग्निम द्विगुण गुणयुतम मर्दयित्वा समस्तम कुर्यात् कोलास्थि मात्र सन सुरुचि वटका भक्षण यत् प्राग दिनादो पथ्याशी सर्वरोगान हरति च नितराम नीलकंठा विधान। आगे ये देखते हैं कि अभी सब पूरे श्लोक को कैसे डिकोड करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि जो पारद है, शुद्ध पारद, वो एक तोला। शुल्भ, शुल्भ का अर्थ होता है ताम्र भस्म, मतलब शुल्भ का अर्थ ताम्र होता है, तो यहाँ पे ताम्र भस्म एक तोला। कांतलो भस्म एक तोला। शुद्ध गंधक एक तोला। शुद्ध वसनाप का चूर्ण, ये भी एक तोला। त्रित्रिक, त्रित्रिक का अर्थ होता है तीन त्रिक, मतलब त्रिफला, त्रिकटु, त्रिमद। इनमें से प्रत्येक का चूर्ण 12 12 ग्राम, मतलब एक एक तोला सभी का लेना है, सबका सम्मिलित मिलाकर के हो जाता है 9 तोला, लगभग 108 ग्राम। उसके बाद नागरमोथा का चूर्ण एक तोला। गंडीर, जिसे हम रामठ या शुंठिया शाक के नाम से जानते हैं, इसका चूर्ण एक तोला। नागकेसर का चूर्ण एक तोला। चित्रक के पंचांग का या केवल जड़ का जो चूर्ण रहेगा वो भी एक तोला। अब क्या करना है इसको हम बात करते हैं। तो प्रथम पारद और गंधक की कजली बनाकर उसमें शेष द्रव्य मिलाकर सबको महीन पीस कर चूर्ण से द्विगुण दुगुना, अर्थात डबल मात्रा में, तो मतलब 48 तोला पुराना गुण मिलाकर अच्छी तरह से मर्दन करें। उसके बाद जो इसकी वट्टी का प्रमाण रहेगा वो रहेगा कोल समान। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोल समान बता दिया गया है कि बेर की गुठली के बराबर जो गोलियाँ होनी चाहिए वो होना चाहिए, कि बेर की गुठली के बराबर मनोहर गोलियों बनाकर छाया में सुखाकर कांच के शीशी में भर लेवे। इस प्रकार सिद्ध किए हुए इस रस को नीलकंठ रस कहा जाता है। इस रस की प्रतिदिन एक एक गोली प्रातःकाल व्यथा व्याध्य अनुपान के साथ सेवन करने से सर्व प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं। तो भले ही ये श्वास रोग में वर्णित है, लेकिन इसका जो प्रयोग है वो सभी रोगों के अंतर्गत किया है। आई होप आपको नीलकंठ रस के बारे में जो जानकारी है वो पसंद आई होगी। किस तरह से हमने देखा कि क्या इसका रोगाधिकार है, किस तरह से इसे बनाया जाता है, क्या इसके घटक द्रव्य है, क्या इसका भावना द्रव्य है और किन किन रोगों में हम इसे प्रयुक्त कर सकते हैं। यदि आपको नीलकंठ रस के बारे में वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे ही नई रसौषधि के साथ मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।